वेलकम टू अवर चैनल लाइफ इन ट्रेडिंग एंड सीमेंट सेक्टर बुलिश है। सीमेंट सेक्टर जितना सीमेंट सेक्टर है सारा पॉजिटिव है, तो इसलिए हम लोग सीमेंट सेक्टर पे कल ज्यादा फोकस करेंगे एंड अपने पास बेस्ट 4 स्टॉक्स है जिसमें हम लोग ट्रेड लेंगे। सबसे पहला नंबर स्टॉक है अपने पास बजाज ऑटो। एंड अगर बजाज ऑटो को देखेंगे तो यहाँ पे 45 मिनट्स में इसमें एक ब्रेकआउट आ रहा है। अभी तक बजाज ऑटो एक रेसिस्टेंस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा था, वहां से रेसिस्टेंस ये ऊपर नहीं जा पा रहा था, बार बार रेसिस्टेंस पे पहुंचे वहां पे टकरा के नीचे गिर जा रहा था। यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस से नीचे गिर गया, वापस रेसिस्टेंस से नीचे गिर गया, वापस रेसिस्टेंस से नीचे गिर गया एंड वापस रेसिस्टेंस से नीचे गिर गया। बार बार इस रेसिस्टेंस जोन से रिजेक्ट हो जा रहा था। एंड जैसे कि की रोल में हम हमेशा एक बार बताए थे कि रेसिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो बाद में सपोर्ट बन जाता है। जब ये रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ तो बाद में क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। सपोर्ट बनते ही मार्केट ऊपर गया, वापस सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। ये जो फर्स्ट हाई बना उस हाई को जब मार्केट इसको तोड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, बाई करते हैं। तो ठीक उसके हाई के पास में मार्केट पहुंच तो जा रहा था लेकिन उसके ऊपर सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। फॉल्स ब्रेकआउट से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर ये सब सिचुएशन में अगर बाई कर लेंगे तो फंस जाएंगे। यहाँ बाई कर रहे हैं, मार्केट गिर गया, बाई किया, वापस गया। अगर आप इस सिचुएशन में बाई भी करते हैं तो फिलहाल के लिए आप इतना तो नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, मतलब स्टॉप लॉस आपका जो है बहुत बड़ा रहेगा। बट उसी जगह पे थोड़ा और वेट कर लेंगे तो आपको मार्केट फिर एक छोटा स्टॉप लॉस बनाने का मौका देगा। हमेशा से याद रहे, जब भी बिग इन्वेस्टर्स का पैसा आने वाला होगा तो उनका पोजीशन जो रहेगा वो एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस पे ही बनेगा। तो स्टॉप लॉस हमेशा से जब छोटा होता है तभी एक बड़ा मूव आता है, बड़े स्टॉप लॉस में बड़ा मूव आने का चांसेस बहुत कम होता है, याद रहे ये बात। की रोल है तो एक मार्केट जब तक छोटा स्टॉप लॉस नहीं बनाता तब तक एक बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। अब मार्केट एक लो बना के मार्केट इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो प्रीवियस हाई यानी कि 3726.35 के ऊपर जाएगा तो हम लोग बाई करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 3634.55, यानी कि इनकेस मार्केट ऊपर जाके नीचे गिरता है, रिजेक्ट होता है तो हम लोग एग्जिट कर देंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 3841 का एंड सेकंड टारगेट रहेगा 3939.55। अब पोजिशनल ट्रेड टारगेट पे आते हैं जो कि होल्डिंग पे रहेगा अपना, एक महीना दो महीना का होल्डिंग रहेगा ये। तो इसमें आपका जो टारगेट रहेगा 4034 का और सेकंड टारगेट रहेगा 4182। तो बजाज ऑटो आपको 4182 तक जाता हुआ मिलेगा, यानी कि ये अभी के लेवल से इस पॉइंट तक अप्रोक्स आपको 450 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा। अगर बजाज ऑटो अगर आप एक पीस दो पीस भी खरीद के एक महीना तक दो महीना तक छोड़ते हैं तो आपको 500 से 1000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो आप चाहे तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके एक बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। अब सेकंड नंबर स्टॉक हम लोग के पास आता है अंबुजा सीमेंट, जो कि सीमेंट सेक्टर अंबोले के बुलिस है। तो सीमेंट सेक्टर में क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये एक रेसिस्टेंस जोन को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ गिर रहा था, फिर उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे इसका आया ब्रेकआउट। ब्रेकआउट आने के बाद रिटेस्ट हुआ मार्केट, देखिए ये जो सपोर्ट जोन था ठीक सपोर्ट जोन तक मार्केट गिरा है ना। तो सपोर्ट जोन था मार्केट ठीक सपोर्ट जोन तक गिरा, रिटेस्ट करने का मतलब बहुत लो हो जाता, तो एक सपोर्ट जोन पे मार्केट आके सपोर्ट ले लिया। अब ये जो प्रीवियस हाई है इस हाई को जैसे ही ये ब्रेक करेगा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो प्रीवियस जो हाई है 304.9 इसको मार्केट तोड़ेगा, मतलब इसके ऊपर सर्वाइव करेगा तो आप बाई कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे मार्केट इस लेवल के ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, बुलिश कैंडल बन रहा है ना, एकदम बड़ा सा बुलिश कैंडल बन रहा है। तो जस्ट हम लोग को वेट करना है कि इसके ऊपर कैंडल सर्वाइव कर जाए। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 296.7 का एंड फर्स्ट टारगेट रहेगा 315 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 329.05। तो यहाँ तक सेकंड टारगेट जो है 10 दिन तक टाइम लग सकता है यहाँ तक पहुंचने में। थर्ड नंबर स्टॉक के अपने पास रैमको सीमेंट एंड रैमको सीमेंट को देखेंगे तो ये एक रेसिस्टेंस जोन को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आया था, मीन्स यहाँ से रेसिस्टेंस लग रहा है। ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट का हाई है ना, मीन्स यहाँ से जो मार्केट एक बार फर्स्ट रैली दिया था बुलिश रैली, इतना ही मार्केट ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाएगा। तो हम लोग जस्ट वेट करेंगे कि ये प्रीवियस रेसिस्टेंस को तोड़ दे। तो इसका रेसिस्टेंस पहले ही ब्रेकडाउन आज ब्रेकआउट आ चुका है। ब्रेकआउट आने के बाद क्या हो, मार्केट एक हाई बनाया, एक रेंज क्रिएट किया। एंड देखिए जैसे हम बोलते हैं ना, बिग इन्वेस्टर्स का जब पैसा आने वाला होता है तो एक स्टॉप लॉस लगाने का जगह छोटा हो जाता है। तो आप चाहे तो यहाँ भी स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं 768 के पास में, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप चाहे तो। एक बुलिश रैली आने के बाद मार्केट अगर ब्रेकआउट दे दे तो ये आपका स्टॉप लॉस एक्टिव हो जाएगा। फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस है, आप चाहे तो स्टॉप लॉस को यहाँ पे मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो 775.33 के नीचे जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा तो हम लोग बाई करेंगे। 749.55 का हम लोग का क्या रहेगा स्टॉप लॉस, 811.95 का रहेगा फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट रहेगा 828.9 का। एंड
फोर्थ नंबर स्टॉक है अपने पास सैम मेटालिक्स। एंड सैम मेटालिक्स को देखेंगे तो ये एक ब्रेकडाउन देने वाला है। ब्रेकडाउन देगा तो कैसे देगा, डायरेक्ट आपको ऐसा डायरेक्ट फॉल देखने को नहीं मिलेगा। कभी भी मार्केट इस तरीके से नहीं होता कि ब्रेकडाउन दिया मार्केट नीचे चले गए। बहुत रेयर केस में आपका 10% चांसेस होता है कि मार्केट ऐसे मूव करता है। प्रोबेबिलिटी पे सारा चीज है ना। तो अब अगर मार्केट इस तरीके से ब्रेकडाउन देने के बाद अगर ये इस तरीके से कुछ रेंज क्रिएट कर देता है, उसके बाद अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो ब्रेकडाउन के बाद आपका रेंज क्रिएट होता है, की रोल है हमेशा से याद रखिए, बेयरिश रैली मींस जब ब्रेकडाउन आया मार्केट एक रेंज क्रिएट किया, मार्केट इसी रेंज के अंदर में टकरा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों है, लेकिन परसेंटेज किसका हाई है, सेलर्स का। सेलर्स का परसेंटेज क्यों हाई है, ये क्योंकि पहले ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट रेंज में फंस के, ब्रेकडाउन के बाद में मार्केट उसी रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है, उसी के अंदर में फंस गया है एंड उसी के अंदर में अपडाउन 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 कर रहा है। बट अगर जैसे ही वहां पे ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकआउट आने का चांसेस क्या रहेगा, लो रहेगा, क्योंकि बायर्स का परसेंटेज लो है एंड सेलर्स का परसेंटेज हाई है, तो ब्रेकडाउन आने का ही चांसेस ज्यादा रहेगा। तो वहां से जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन देगा तो आपको कंफर्मेशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि बेरिस रैली के बाद आपको कंफर्मेशन का जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे सेलर्स का परसेंटेज वैसे ही हाई है। तो वहां से ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट हो सके तो रिटेस्ट करे, ना भी रिटेस्ट करे, क्योंकि वहां पे लोगों को कंफर्मेशन का जरूरत नहीं, वहां से डायरेक्ट मार्केट नीचे की तरफ गिर जाएगा। और नहीं तो मार्केट ऐसा कर सकता है, मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन देगा, इसको रिटेस्ट करेगा और उसके बाद क्या होगा, मार्केट डायरेक्ट टारगेट तक जाएगा। तो आपका जो रेंज क्रिएट हुआ उसमें हाई प्रोबेबिलिटी आता है कि मार्केट आपका टारगेट अचीव कर ही देगा, आपको टेंशन नहीं रहेगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। हाई प्रोबेबिलिटी इन द सेंस कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने का प्रोबेबिलिटी जो रहेगा वो 10% आ जाएगा। ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया फिर मार्केट नीचे गिरा, वहां पे प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत रहेगा कि आपका टारगेट अचीव करे या फिर टारगेट अचीव ना करे, स्टॉप लॉस हिट करे, ऐसा हो सकता है। लेकिन रेंज क्रिएट होने के बाद ये प्रोबेबिलिटी एकदम से गायब हो जाता है, आपका परसेंटेज विनिंग रेशियो बहुत हाई देखने को मिलता है। अब आते हैं थोड़ा निफ्टी पे, तो इसका टारगेट का हम बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सैम मेटालिक 341.4 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 370.2 का एंड ब्रेकडाउन रहेगा 361.7। क्योंकि बात करते करते हो सके हम भटक जाए या भूल जाए, तो इसलिए हम इसको फिर से रिपीट कर दिए। अब आते हैं निफ्टी पे, तो निफ्टी पे क्या हुआ कि ब्रेकआउट आया, बुलिश रैली आया, बट वो आने से पहले निफ्टी किया क्या उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। कि एक सपोर्ट लेवल था निफ्टी का 17,420 के आसपास में, यहाँ पे देखिए सपोर्ट ले रहा है बार बार इस लेवल से, देखिए मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, वापस सपोर्ट लेके ऊपर गया एंड इसका रेसिस्टेंस लेवल भी था जो कि था 17,500 का। तो 17,500 से मार्केट क्या हो रहा है, बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, देखिए रेसिस्टेंस लेके नीचे गिर जा रहा है, वापस रेसिस्टेंस लेके नीचे, वापस रेसिस्टेंस लेके नीचे गिर जा रहा है। एंड इसके बाद क्या हुआ, ये जो रेसिस्टेंस लेवल था जब मार्केट इसको ब्रेकआउट दिया तो यहाँ तक तो सेलर्स का परसेंटेज हाई था, ब्रेकआउट के बाद बायर्स का परसेंटेज हाई हुआ, मीन 60% अब यहाँ पे बायर्स लोग आ गए, बायर्स लोग आए, देखिए रिटेस्ट हुआ, वापस मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, वापस सपोर्ट लेके ऊपर गया। ब्रेकआउट आने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ बाद में सपोर्ट का ऐसा काम करेगा, इसलिए वहां पे बायर्स का परसेंटेज हाई है। क्यों, क्योंकि वहां पे उनको हिम्मत मिलता है कि मार्केट एक झटका में तो नीचे नहीं गिर सकता है, अगर जाएगा तो ऊपर के साइड स्पीड में जाएगा, तेजी से जाएगा, नीचे गिरेगा तो स्लो ही गिरेगा, एक बार में नीचे नहीं गिरेगा तो आपका पैसा का रिस्क वहां पे कम हो जाता है। तो फिर यहाँ पे बुलिश रैली दिया, फिर क्या हुआ, मार्केट एक रेसिस्टेंस जोन को फॉलो कर रहा था ये अपर साइड में, और एक रेसिस्टेंस जोन क्रिएट हो चुका था जहां पे मार्केट आया वहां से रिजेक्ट हो गया एंड इस बार क्या हुआ, मार्केट उस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया। फ्राइडे को यहाँ पे रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ, मार्केट एक हाई बनाया, देख रहे हैं अब यहाँ पे बायर्स का परसेंटेज 75-80% हो गया, यहाँ पे आपका 70-80% बायर्स लोग आ गए, यहाँ पे सेलर्स का परसेंटेज आउट, सेलर्स ना के बराबर हो गए। फिर अभी हम जैसे बताए थे ना सैम मेटालिक्स में कि रेंज क्रिएट होता है, तो सेम देखिए रेंज क्रिएट हुआ ना, देखिए यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों एक्टिव हो गए, लेकिन अभी अब ये जो ब्रेकआउट देगा किधर देगा, अपसाइड या डाउनसाइड, प्रोबेबिलिटी किधर ज्यादा है, बायर्स यहाँ पे 70-80% है, सेलर्स 20% है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे बायर्स जीतेंगे या सेलर्स जीतेंगे? ऑफ कोर्स मतलब ये सिंपल सही बात है कि जब ये रेंज क्रिएट हुआ अभी बुलिश रैली के बाद में, तो यहाँ से जब मार्केट तोड़ेगा ये जो रेंज है, इस रेंज के बाहर टकराते हुए जब इसको तोड़ देगा तो फिर बुलिश रैली देखने का ही ज्यादा चांसेस मिलेगा। तो 80% जो बायर्स थे जब इसको ब्रेक किया गया, जब ब्रेकआउट आया तो 100% बायर्स हो गए,
सेलर्स आउट हो चुके हैं, तो बायर्स जो यहाँ पे 100% हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक बुलिश मोमेंटम आपको देखने को मिला। कितना अच्छा रैली मिला, यहाँ का रैली और यहाँ का रैली, पैसा यहाँ पे बनता है। बिग इन्वेस्टर्स का पैसा इस जगह पे आता है, क्योंकि जहाँ पे सब सेलर्स लोग आउट होते हैं 100%, जहाँ पे बायर्स आते हैं वहीं पे रियल मनी आता है। तो यहाँ पे रियल मनी आया। तो होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ज्यादा काम में आएगा। और एक खुशखबरी है कि अपना चैनल मोनेटाइजेशन हो गया है, तो ज्यादा तो नहीं, $0.15 वहां पे शो कर रहा है, तो बहुत बड़ा अमाउंट है, आप लोग नजर मत लगाइएगा। तो वहां तक तो हम लोग सही है। एंड हाँ, लास्ट में यही बोलेंगे कि आप लोग स्टॉप लॉस पे ध्यान दीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। स्टॉप लॉस हिट होगा एग्जिट करें, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होना कॉमन सा चीज है, हो ही सकता है। हम लोग स्टॉप लॉस इसीलिए रखते हैं ताकि अपना पैसा ज्यादा बर्बाद ना हो। एंड लास्ट में यही बोलना है कि ओवर ट्रेडिंग मत कीजिएगा। जो स्टॉक में ब्रेकआउट आया या ब्रेकडाउन है उसी में ट्रेड लीजिएगा। ओवरऑल जो निफ्टी का पोजीशन है ये बुलिश पोजीशन है। निफ्टी एक झटका में नीचे तो नहीं गिरेगा, अगर नीचे गिरता भी है तो वापस वो पुल बैक आने का कोशिश करेगा, मार्केट वापस से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो इसके वजह से स्टॉक्स में कुछ ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा चैनल्स का लिंक मिल जाएगा, चाहे तो मुझे वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।